चलो भैया देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन एंजाइम होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई गैस्ट्रिक जूस में चार एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में चार एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। लेकिन ये चारों एंजाइम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को भी देख लीजिए। और नहीं आया ना तो गैस्ट्रिक जूस आपका भी खराब हो जाएगा, बाप रे बाप रे माई रे माई ऐसा करने लगेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस में मिलने वाले एंजाइम कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ दोस्त, ट्रिक ट्रिक क्या है, एमआई पेप्सी लाई रानी के गैस्ट्रिक जूस में मिलाई, ठीक है, कह दिया, कह रहा है कि एमआई पेप्सी लाई रानी के गैस्ट्रिक जूस में मिलाई। अब यह आपको भी खाना नहीं पसता था, आप कहते यार थोड़ा कोका कोला पेप्सी ठंडा ले आया, अब थोड़ा सा पी लेते स्प्राइट माजा, थोड़ा सा मजा जाता है, तो पेप्सी कह रही है, कह रहे एमआई पेप्सी लाई रानी के गैस्ट्रिक जूस में मिलाई। तो देखिए एमआई, एमआई का मतलब क्या है, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, एमआई पेप्सी लाई रानी के गैस्ट्रिक जूस में मिलाई। तो देखिए ये चार हैं, एमआई का मतलब एमाइलेज है और पेप्सी का मतलब क्या है, पेप्सिन है, और लाई का मतलब है लाइपेज और रानी का मतलब है रेनिन, ठीक है रेनिन। तो चार एंजाइम होते हैं, किसमें होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं चार एंजाइम, ठीक है। तो कह दिया एमआई पेप्सी लाई रानी के गैस्ट्रिक जूस में मिलाई, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा रहा ट्रिक, आपको यह ट्रिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक भी ठोक दीजिए। तो चलिए दूसरे फार्मूले की हम बात कर लेते हैं, दूसरा फार्मूला हमारा किस पर लागू होता है, कौन से टॉपिक पर, तो हम आपको बता दें जो आप अमीनो एसिड पढ़ते होंगे कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, 10 आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक, मतलब आवश्यक मतलब बाहर से हम लेते हैं भोजन के साथ उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, नॉन एसेंशियल मतलब जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ही होता है, ठीक है। तो हालांकि आप सोच रहे होंगे कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या 12 है, मैं बता रहा हूँ 12, लेकिन ट्रिक जो है हमारा 10 के लिए, ठीक है। तो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं उसको भी देख लिया जाए, हालांकि ये ट्रिक जो है गुरु जी के द्वारा बनाया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन से हैं उनको भी देख लिया जाए। देखिए हम आपको बता दें कि कौन कौन से हैं ये अमीनो एसिड 10 नॉन एसेंशियल, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे दोस्त। ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक कि सर पारुल तिवारी की स्पार्ट सिस्टर ने तीनों गलियों में ऐश का ऐलान किया, सर पारुल तिवारी की स्पार्ट सिस्टर ने तीनों गलियों में ऐश का ऐलान किया, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को ना भूलें, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि सर पारुल तिवारी की स्पर्ट सिस्टर ने तीनों गलियों में ऐश करने का ऐलान किया है, ठीक है। देख लीजिए क्या है इसका मतलब, सर का मतलब क्या है, सर का मतलब है सेरिन, क्या है दोस्त, सेरिन है पहला नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पारुल का मतलब है प्रोलीन, ठीक है प्रोलीन, तिवारी का मतलब है टायरोसिन और स्पर्ट की साइलेंट है दोस्त, स्पर्ट मतलब स्पाराजीन और सिस्टर का मतलब सिस्टीन और तीनों गलियों मतलब तीन बार जी से ही शुरू है दोस्त, तीन बार जी से ही मतलब गली 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 ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो देखें एक जी का मतलब ये तीन जी है, एक जी दो जी तीन जी, तो ग्लाइसिन और ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ये तीन हो गए, और एस का मतलब हो गया एस्पार्टिक एसिड और एलान का मतलब हो गया एलानिन, ठीक है ये हो गया 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हो गया, सेरिन हो गया, प्रोलीन हो गया, टायरोसिन हो गया, स्पाराजीन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन ग्लूटामिन हो गया, और एस का मतलब हो गया एस्पार्टिक एसिड और एलान का मतलब हो गया एलानिन, ये 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दो और कौन कौन से हैं, तो दोस्त हम आपको बता दें दो यहाँ और भी हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आर्जिनिन है, एक है आर्जिनिन और दूसरा है सेलेनोसिस्टीन, आर्जिनिन और सेलेनोसिस्टीन इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे की बात है डबल एस की यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के ट्रिक अच्छे लगे होंगे, ठीक है, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। ओके थैंक यू।